नमस्कार, आप देख रहे हैं आपको देखिए और मैं आपके साथ हूं प्रदीप भारद्वाज। आज मैं मौजूद हूं शेरघाटी फायर स्टेशन के मुख्य कार्यालय में, जहां हमारे साथ एफएसओ के रूप में मौजूद है मनोरंजन कुमार चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जब भी कोई घटना घटती है तो बताकर तो आगे की घटना आती नहीं है, लेकिन तत्काल जैसे ही सूचना मिलती है उस समय पहला जो आपका एक्शन होता है वो किस रूप में होता है और कैसे होता है? जैसे कि सर्वप्रथम हमारा 5:30 बजे ड्यूटी निकलता है, उसी समय एक्शन का बंटवारा हो जाता है जी। और हमारे पास जो उपलब्ध गाड़ी है, दो गाड़ी, एक बड़ी वाली, एक छोटी उनकी वाहन जी, उसको एक्शन में विभक्त कर दिया जाता है और उस पर आखिर डिपुट हो जाता है। और ये रूटीन है हमारा कि जब सूचना मिलेगा, रिस्पांस टाइम 2 मिनट का है जी, आग लगने की सूचना मिलेगी और जैसे ही है, ये जरूरी नहीं है कि बर्थी फुल इनफॉर्म में हो करके ही गाड़ी पर चढ़ना है, ऐसे जैसे ही है वो अपना गाड़ी पर चढ़ गया और गाड़ी में अपना बर्थी पहनते हुए घटना तक पहुँचा, लेकिन यहाँ से 2 मिनट के अंतर में निकल जाना है गाड़ी को। और जो आदमी उस पर रिपुट है, जो हमारे पास उपलब्ध है आदमी, हो सकता है कि उसमें से एक आदमी कहीं मार्केट करने के लिए गया या बाथरूम में गया है, तो उसके लेकर के विलंब नहीं करना, जो आदमी उपलब्ध है वो गाड़ी निकल जाए पूरी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के लिए रवाना हो जाए सर। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आग लगने की घटना, ये संयोग बस ऐसा है ये कि कहीं कहीं दो बात एक ही समय में 2 जगह घट जाए जी, तो उस स्थिति में कैसे कर, चूंकि आपके पास संसाधन कम है, दो ही बात है हमारे पास। जैसे कि घटना मिली तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ का निकटतम थाना जहाँ की हमारी गाड़ी है जी, उस थाने के हम चालक को तुरंत सूचित करेंगे और आदेश देंगे कि फलाने जगह, उसको पूरा डिटेल दिया जाता है कि फलाने जगह फलाने गाँव में फलाने चीज में आग लगी है, आप वहाँ पहुँचो। और वहाँ पहुँचा और वहाँ से वो पहुँच करके सिचुएशन हमें रिपोर्ट देता है कि आग किस तरह का है, अगर उस गाड़ी से गुजरने लायक है तो ठीक है, बुझा दी जाती है, नहीं और गाड़ी की जरूरत होता है तो और उसके निकटतम थाने को तब तक सूचित करके अलर्ट कर दिया जाता है, या और अधिक गाड़ी की जरूरत है तो मुख्यालय, जिला मुख्यालय को खबर कर दिया जाता है, वहाँ से उपलब्ध गाड़ी। अभी कितने वाहन यहाँ है? शेरघाटी फायर स्टेशन में एक वाटर टेंडर है जी, और 5 MT वाहन है, जो कि 1 MT वाहन अग्निशमालय में है और 4 थाने में है। कितने क्षमता का है? ये 400 लीटर का, 400 लीटर, 400 लीटर उसमें वाटर हर वक्त फुल जी। और कितने कर्मचारी हैं सर? कर्मचारी हमारे यहाँ फायरमैन 7 हैं, चालक 3 हैं, हवलदार 1। ऐसा नहीं लगता सर कि शेरघाटी एक बहुत बड़ा अनुमंडल है जिसका एक बहुत बड़ा भूभाग फैला हुआ है, जैसे टोबी है, आमस है, मोहनपुर है, बाराचट्टी है, टोबी है और दूसरा इमामगंज, बाके बाजार, तीन बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, दूरी भी काफ़ी होते हैं, तो इस हिसाब से जो संसाधन यहाँ मौजूद होना चाहिए था, जितने वाहन होने चाहिए थे या जितने कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी वो नहीं, ऐसे में भी आप बड़े अच्छे ढंग से काम को अंजाम दे रहे हैं, तो जरूरत के हिसाब से आप कहाँ अपनी बात को रख पाते हैं जहाँ आपका ये मांग जो है पूरी हो सके? वरीय अधिकारी जिला मुख्यालय हमारे लिए तो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैं जी, उनको हमने तक दे दिया है कि यहाँ पर क्या समस्या है और क्या होना चाहिए, इसकी हम डिमांड कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको देखने से जुड़ने के लिए। नमस्कार।